विश इज ब्यूटी कैसल। अस्सलाम वालेकुम। ये देखे मेरी क्लाइंट है, ये बच्ची है 11 साल की, तकरीबन 10 11 12 साल की। अच्छा, ये इसके हेयर्स हैं, परमानेंट स्ट्रेटनिंग नहीं करेंगे। जैसे हमने एक छोटी बच्ची का काम पहले किया था, मैं 7 बच्चों लगा रही हूँ, आपको याद होगा, आपने देखा होगा। इनका भी यही मसला है, उलझते बहुत है। अभी बाल थोड़ा थोड़ा वेट है, इसलिए प्रॉपर इस तरह का लग रहा है। ड्रायर से हमने काफी हद तक सुखाया है, तो ये थोड़ा बेहतर लग रहा है। अभी हम इनके फिलर्स करेंगे, कुछ हद तक स्ट्रेटनिंग करेंगे, डेड स्ट्रेट बाल नहीं करेंगे, रूट्स को सेव करके करेंगे, बढ़ती हुई बॉडी है। तो अभी इनका सारा काम करेंगे, उसके बाद आपको आफ्टर का रिजल्ट दिखाते हैं। तो चलें वापस आ जाएं, ये देखें, ये रहा आफ्टर का रिजल्ट। हमने इनके फिलर्स किए हैं और फिलर्स के साथ देख सकते हैं, ये देखें कितने स्मूथ हैं और कितने मैनेजेबल हैं। ये देखें, ये रहा बारीक वाला बिल्कुल टील कॉम, और ये देखें किस तरह से कोम जा रहा है, ये देखें। थैंक यू। अच्छा, ये रिबॉन्डिंग एक्सटेंसर जैसी कोई चीज नहीं है, अगर आप समझेंगे कि रिबॉन्डिंग या एक्सटेंसर है। बच्ची बहुत छोटी थी, रूट से हमने 2 2 इंच छोड़ के काम किया है, और ये देखें, क्योंकि अगर रिबॉन्डिंग या स्ट्रेटनिंग होती तो डेड स्ट्रेट होता। नीचे का बाल भी मैंने आपको पहले दिखाया था और अभी फिर दिखा रही हूँ, ये देखें रिपेयर है लेकिन डेड स्ट्रेट नहीं है, वॉल्यूम भी वैसे का वैसे ही है, ये देखें। थैंक यू, जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज।